हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेशन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो काफी आसान है और आप बिल्कुल सेकंड्स में बना सकते हैं। पर वो क्वेश्चन देखने में आपको काफी लेंथी लगेगा, पर वो काफी आसान होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1/√1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4, ऐसे करके अगर आप 1/√80 + √81 तक जाते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, इनका सम क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी इजी है। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे √1 - √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसको ऊपर √1 - √2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी √1 - √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह इसको √2 - √3 से करना है, इसको √3 - √4 से करना है, और इसको √80 - √81 से करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, √1 - √2 1 - 2, यहाँ पर आ जाएगा √2 - √3 2 - 3, यहाँ पर आ जाएगा √3 - √4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4 .. यहाँ पर हो जाएगा √80 - √81, और यहाँ पर हो जाएगा 80 - 81। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो सब में -1 आ रहा है, 1 - 2 - 1 2 - 3 - 1, सभी में -1 आ रहा है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, √2 - √1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - √2 हो जाएगा, ये √4 - √3 हो जाएगा, और .. और यह हो जाएगा √81 - √80 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1 को हटाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √2 - √1 हो जाएगा। तो अगर इसको आप देख रहे हो तो √2 √2 कैंसल हो गया, √3 √3 कैंसल हो गया, उसी तरह √4 भी आगे किसी के साथ कैंसल हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर √80 भी कैंसल हो जाएगा, पर लास्ट में आपका √81 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है। तो -1 और 81 का क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका -1 बच रहा है और लास्ट में आपका √81 बच रहा है, बाकी सब आपके कैंसल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान क्वेश्चन था, केवल ये देखने में लेंथी था, पर जब इसे सॉल्व किए तो कितना आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर देखिए तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, a - b, और a + b के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a² - b², उसी तरह ये हो जाएगा b² - c², उसी तरह ये हो जाएगा c² - a². अब यहाँ पर क्या होता है, अगर नीचे के नंबर सेम हो तो इसके पावर क्या हो जाते हैं, एड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर a² - b² + b² - c², यहाँ पर +c² - a², और ये सारे के सारे आपस में कैंसल हो गए और 2 का पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है, और जो टाइम आप बचाते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, आपको बहुत सारे ऐसे पावर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो जब एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग जल्दी क्लिक करेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।